कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पहला मुल्क बना भारत सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा, दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान और तीसरा मुल्क बना ईरान। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन चिमे चिमे ओ जट्टा मेरी गाल सुन, तू पीछे में। पाकिस्तान वैसे तो एटमी देश होने का दंभ भरता है, पर हालत आज यह हो गई है कि कोई भी देश आए दिन पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके चला जाता है। शुरुआत भारत ने बालाकोट से किया था, फिर उसके बाद अफगानिस्तान और अब परसों ईरान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने दो अपहृत सैनिकों को छुड़ा कर ले गया। पाकिस्तानी सरकार इस लाज से बचने के लिए मेन मीडिया में इस समाचार को आने से रोक रखा है, पर कुछ कमर चीमा जैसे बहादुर एंकर हैं जो इसे अपने देश के सामने रखे हैं। आइए सुनते हैं कमर चीमा क्या कहते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और देखें जनाब, ये देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर। मान साहब, आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। आप देखिए, पहला मुल्क बना भारत सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा, दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की, और मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, मैं महसूस कर सकता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन, और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा, आपने खुद कहा कि वो चिड़िया कौए तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी बात, धीरे धीरे बाहर आ जाएगी, सच्चाई कितने दिन छुपाओगे। पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, आप हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर, कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो। आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप रात के अंधेरे में आते हैं। और दूसरा, अभी ईरान को भी साथ डाल लिया, मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर। ईरान का बयान आया है वो दिखा दो, अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए, अरे भैया हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं, घुस के मारा ठोका, अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए, अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए, अब आप दूसरी बार मान रहे हैं, पिछली बार भी आप मान गए थे फिर आप तुरंत मना कर गए थे, अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो। अरे क्या का खौफ है, आपके पास रेडार नहीं है क्या, पता नहीं लगा, या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है, फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया कौए तोते मारे, और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है 300 मोबाइल फोन्स वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौए मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल, आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहने ना प्रौणा दा घर जवाई एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि दो दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था, तो मेरे ख्याल 40 दिन अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका, तो आपने दो दिनों में जाके दिखा दिया, वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब, इसमें तो मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं।
बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौए और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं, और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं, और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72ों के पास चले गए वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब, मैं इसमें क्या कहूँ। या मैं सवाल के साथ जवाब भी दे रहा होता हूँ, उसे दोनों रिबटल को भी समझें। एक तो तुम्हें समझाना पैंदा है नहीं, कि आप सवाल सवाल तो आज है दीजिए, रिबटल आप रिबटल है देके फिर और सवाल तुम्हारा दीजिए। मसला कोई नहीं, फिर गल आ जाती है ना, फिर वो मैं आखना नहीं बुरा ना लगे, और फिर सरदारा नु सारी गल समझ भी नहीं आती, दसना पैंदा कि भाई जान है सवाल है जवाब भी ना दिता तुम। अच्छा हुन मैनु ये दसो, आपकी एयरफोर्स ने तो भाई प्रोपेगेंडा साहब कर लिया तुसी इंसान को, तोड़ो, ओ जट मेरी गल सुन, ओ सुनो चिमे चिमे, ओ जट्टा मेरी गल सुन, तू मैं पिछोकी जाट में है, तू पिछोकी है, जाट तू है था, तू भी पुराना सरदार ही है मैं फिर आना वा, मैं मानना वा मेरे बहुत फिर जवाब जड़े ने पिछे साढ़े वड्डे फिर के मेरी साढ़े थोड़ी तो सिखों डिस्कशन ने, होनी नहीं पर चाहिए थी। शुक्र है, सुनो मेरी गल सुनो तो शुक्र सुनो, है सानू अकल आ गई मेरी टाइम मेरी गल तो सुनो, एक मिनट नाल फिर कायदे से ना, कायदे से एक मिनट, जटा मेरी गल सुनो, जटा मेरी गल सुनो, फिर तक कायदे ना डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। वो जट ने दूजे जट नु की पूछना था, जुटे जट ने पहले नु की समझाना, मान साहब मान ये साहब कहानी कोई नहीं है, मान ये तो साहब डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। ईरान का मैं सिर्फ बता दूं, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा कश्मीर के ऊपर बात करता है, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर बात करता है। शायद आपको इसका याद नहीं है या पता नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, सो इतने खुश ना हो। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, आपने कुछ कहना है? मूविंग नहीं, फॉरवर्ड। मैं एक अच्छा सेकंड का अब रिबटल ले लोग लो, आपने और अच्छा ईरान ने चले मिलकर क्या उखाड़ लिया है? क्या चले उखाड़ चले लिया? बिल्कुल कुछ भी नहीं उखाड़ा। आज से करीब 2.5 साल पहले 16 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैश उल अदल ने ईरान के 12 सैनिकों को अगवा कर लिया था। वैसे तो पाकिस्तान यह कबूल नहीं करता है कि यह सब उसी के इशारे पर हुआ था, लेकिन वास्तव में यह सब पाकिस्तान के इशारे पर ही हुआ था। आप लोगों को पता है कि ईरान और पाकिस्तान के अच्छे संबंध पहले नहीं रहे थे, कारण ईरान एक शिया बहुल देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है, और दूसरे सुन्नी बहुल होने के कारण पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का साथ देता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी सुन्नी बहुल देश है, और सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उसी दुश्मनी के कारण पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी का फसाद आए दिन होते रहता है। जब ईरान ने दबाव बनाया तो पाकिस्तान ने अपहृत किए गए 12 सैनिकों में से 10 की तो रिहाई करा दी, लेकिन 2 सैनिकों को जानबूझकर रोक के रखा गया था, जिसे परसों दिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करके बलूचिस्तान प्रांत से अपने 2 सैनिकों को रिहा कराकर ले गए। चूंकि यह बात ऐसी है, शर्म वाली है, कि पाकिस्तान किसी को कह भी नहीं सकता, इसी कारण पाकिस्तान के मेन मीडिया में यह बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है कि जिसको जी चाहे घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।